और जहाँ तक गणना की सवाल है, नेता नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है वो कराएं, बिहार के अंदर कराएं, आगे भी वो कराएंगे, लेकिन वो क्रेडिट कुछ भी न ले, निश्चित तौर पर हर सीट पे अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे, नीतीश कुमार की नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये सब जानता है, वो लोग बौखलाया हुआ है, जो जानता है कि हमारी जमीनें खिसक गई है, जिन्होंने पूरे बिहार को लूटने का काम किया है, पूरा परिवार एक प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहता है। बिहार में पहले ये नेता है, देश का चैलेंज करना चाहता हूँ कि कभी जात की बात नहीं की, जमात की बात थी। नीतीश कुमार जी हमारे नेता, नीतीश कुमार जी का मामला है, सब जानता है, नीतीश कुमार जी बिहार के साथ साथ देश के बारे में भी बराबर सोचते रहते हैं। और जहाँ तक गणना की सवाल है, नेता नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है वो कराएं, बिहार के अंदर कराएं, आगे भी वो कराएंगे, लेकिन वो क्रेडिट कुछ भी न ले, उनको सब जानता है उनके बारे में, उन्होंने बिहार को किस तरह से अपने कार्यकाल में रखा था, उनका परिवार किस तरह प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार लूटना चाहता है, पूरा बिहार की आवाम जानती है। इसलिए 25 के चुनाव में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, NDA के लोगों ने काम किया है, NDA के लोग निश्चित तौर पर हर सीट पे अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे, नीतीश कुमार की नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये सब जानता है, वो लोग बौखलाया हुआ है, जो जानता है कि हमारी ज़मीनें खिसक गई है, हम खत्म हो चुके हैं, उनका कार्यकाल बिहार के अंदर लोगों ने देखा है, इसलिए उनसे लोग सब होशियार हैं। तेजस्वी यादव 10 तारीख से आभार यात्रा पर निकल रहे हैं, वो आभार यात्रा पर निकले, जहाँ निकले उधर कोई हमारी टिप्पणी नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, उनके बारे में पूरा बिहार जानता है, पूरी आवाम जानती है। नीतीश कुमार जी एक अव्वल नेता है बिहार को, जो विकास दिए हैं, छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर हो, वो विकास का कोई और नहीं, जनाब नीतीश कुमार जी ने बिहार को दिया है, सौहार्द भी दिया, भाईचारा भी दिया और विकास भी दिया, हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ सौहार्द भाईचारा बना रहे, इस बात का हमारे नेता ने ध्यान रखा है। ये क्या बात करेंगे, जिन्होंने पूरे बिहार को लूटने का काम किया है, पूरा परिवार एक प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहता है, निश्चित तौर पर वो ठगने का काम करता है। और नीतीश कुमार जी, इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ, 2005 के बाद जो बिहार के अंदर विकास हुआ है, विकास का छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर हो, किसी और का कार नहीं है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का ही देन है, जो सब जानता है। मुझे भी लगता है होगा, जो ये नेता नीतीश कुमार जी और तमाम सीनियर लीडर बैठ कर लेंगे, और जो नेता का आदेश होगा बिहार और झारखंड की जनता मानेगी, चूँकि बिहार के काम का नेता ने दिखाया तौर तरीका। बिहार में पहले ये नेता है, देश का चैलेंज करना चाहता हूँ कि कभी जात की बात नहीं की, ये जमात की बात थी, ये सारे बिहार के परिवार को, झारखंड परिवार को अपना परिवार समझकर विकास करने का काम किया है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर झारखंड में भी चुनाव होता है, वहाँ में चुनाव जीतेंगे।